डेली कार अपडेट्स और न्यूज को फॉलो करने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्ते एंड वेलकम टू कार कंपेनियन। आई एम झील और मैं आशा करता हूँ कि इस दौर में आप सब लोग सुरक्षित होंगे। दिस इज ऑटो इम्यूनिटी, अ सीरीज वेयर वी फॉलो ऑटो अपडेट्स। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन द वीडियो। आज की पहली न्यूज आ रही है निसान की तरफ से, और ये न्यूज शायद आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ये न्यूज बहुत ही फैल गई है। और अगर आपको नहीं पता तो हम किस लिए बैठे हैं। आज निसान मैग्नाइट निसान की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्पाई किया गया था एट वन ऑफ द पेट्रोल पंप्स ऑफ इंडिया। मतलब अब रूमर्स सच हो रहे हैं दैट निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा, नेक्सॉन वेन्यू और इकोस्पोर्ट जैसी कार्स को टक्कर देने के लिए मार्केट में आ रही है। ये निसान की फर्स्ट मेड फॉर इंडिया कार होगी जो सब 4 मीटर एसयूवी होगी। इस फोटो में हमें वर्ड मैग्नाइट नोटिसेबल है और साथ ही में हमें मैग्नाइट के अलॉय व्हील्स भी दिख रहे हैं। इस कार की प्राइस 6 लाख से 11 लाख तक एक्सपेक्ट की जा रही है। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल प्राइसेस व्हेन इट लॉन्चेस ऑन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। आगे तो अगली न्यूज इज फ्रॉम इंडियन कार मार्केट। इंडिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स के सेल्स फिगर्स पब्लिश हुए हैं। इसमें से नंबर 10 पर है ह्यूंडई i20 जिसके सितंबर 2020 में 9,850 यूनिट्स सेल हुए थे। देन नंबर 9 पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा जिसके 9,980 यूनिट्स सेल हुए हैं। देन नंबर 8 पर है ह्यूंडई g10 नियोस जिसके 10,373 यूनिट्स सेल हुए थे। देन नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी इको जिसके 11,220 यूनिट सेल हुए थे। आई एम क्वाइट शॉक्ड कि इको अभी भी टॉप 7 कार्स की लिस्ट में अपना नंबर ले पा रही है। देन नंबर 6 पर है ह्यूंडई क्रेटा 2020 जिसके 12,325 यूनिट सेल हुए थे, और टॉप 5 कार्स में सभी कार्स मारुति सुजुकी की है। सच में मानना पड़ेगा MS का दबदबा इंडियन कार मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा है। नंबर 5 पे है डिजायर जिसके 13,998 यूनिट्स मतलब 14,000 यूनिट सेल हुए थे। देन नंबर 4 पे है वेगनार जिसके 17,580 यूनिट सेल हुए थे। देन टॉप 3 में थर्ड नंबर पर है अल्टो जिसके 18,246 यूनिट सेल हुए थे। देन नंबर 2 पे नाम रखने वाली कार है बलेनो जिसके 19,430 यूनिट सेल हुए थे। इसकी बिल्ड क्वालिटी को इस प्राइस रेंज में अभी भी बहुत लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ ऑन नंबर 2। नंबर 1 सेलिंग कार इन सितंबर 2020 ऑल इंडिया है, सही गैस किया आपने, इट इज स्विफ्ट के 22,640 यूनिट सेल हुए। का राउंड अबाउट 9.5% मार्केट शेयर था पूरे सितंबर महीने में। अपडेट फॉर टुडे इज फ्रॉम महिंद्रा। लेकिन उससे पहले अभी भी आप में से 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फिर भी वीडियोस देख रहे हो, पाप लगेगा, बहुत पाप। महिंद्रा अगले 18 महीनों में यानी फेब 2022 तक 9 नई कार्स को लॉन्च करेगी जिसमें से पहली है नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का एक न्यू जनरेशन मॉडल अपडेट लाया ही नहीं था इतने सालों में, सो इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन कार वुड बी न्यू जनरेशन XUV500। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है देन आपको इस कार के बारे में पता होगा, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ या फिर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड कार वुड बी BS6 TUV300 फेसलिफ्ट, एंड फोर्थ कार भी सिमिलर है विच इज BS6 TUV300 प्लस फेसलिफ्ट। बहुत बड़ा नाम है। इस कार में कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा BS6 भी अप्लाई होगा। कार टू कम इज XUV300 इलेक्ट्रिक। इस कार की फुल चार्ज माइलेज 350 किलोमीटर एक्सपेक्ट की जा रही है। सिक्स्थ कार टू कम फ्रॉम महिंद्रा इज EKUV100। KUV100 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडिया में कुछ ही महीनों में आ सकता है क्योंकि इसकी प्राइस को रिवील किया गया था विच वॉज 8.25 लाख, और ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार मानी जा रही है। सेवेंथ कार टू कम इज 5-डोर थार, एंड सेकेंड लास्ट कार टू कम विल बी अ माइक्रो SUV जिसका नाम अभी ऑफिशियली पता नहीं चला है, बट ये कार शायद KUV100 NXT का अपडेटेड वर्जन हो सकता है। लास्ट कार फ्रॉम महिंद्रा इज अ SUV जो क्रेटा को राइवल करने महिंद्रा लॉन्च करेगी, तो XUV300 और XUV500 के बीच में आएगी। क्या ये XUV400 होगी?
पता नहीं, लेट्स सी व्हाट आर योर रिएक्शंस ऑन दिस। क्या आप इनमें से किसी भी कार के लिए वेट कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है जनरल मोटर्स की तरफ से। जीएमसी ने 2020 इलेक्ट्रिक हमर को ऑफिशियली अनवील किया है। इलेक्ट्रिक हमर 20th अक्टूबर 2020 को लॉन्च होगी, मतलब अब से 11 दिन बाद। ये न्यूज सुन के आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस पीस ऑफ स्टोन इन एन इलेक्ट्रिक फॉर्म। हमर ईवी में एक मस्कुलर डिजाइन है जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। इसका बोनेट पूरी बॉडी से शॉर्ट है। टीजर में हमें ड्यूअल टोन अलॉयज भी दिख रहे हैं विद हैवी टायर्स। देन इसमें रूफ माउंटेड स्पॉयलर्स भी है, स्लोपिंग सी पिलर, एक छोटा सा लोडिंग बेड और बड़ा सा ग्लास एरिया। ईवी को 0 to 96 km/h तक पहुंचने में सिर्फ 3 seconds लगते हैं, विच इज मैसिव। हमर इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन अगले साल सितंबर या नवंबर से स्टार्ट होगी और 2022 तक ये हमर यूएस में अवेलेबल हो जाएगी। आज की 5th न्यूज अगेन इज फ्रॉम महिंद्रा। महिंद्रा ने ट्रियो एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के 5000 यूनिट्स इंडिया में सेल कर दिए हैं। ट्रियो के कस्टमर्स ने ये कहा है कि ट्रियो को फुल चार्ज करने में वो लोग 141 किलोमीटर तक चला सकते हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के सीईओ ने कहा है कि वो ट्रियो के कस्टमर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि वही लोग है जो इंडिया को एक ई मोबिलिटी कंट्री बनाने में मदद करते हैं। ट्रियो में लिथियम आयन बैटरी है जो 11 bhp प्रोड्यूस करती है विथ 42 nm ऑफ टॉर्क। इसमें 3 साल या 80,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आती है। नेट एक अच्छी डील लग रही है, बट लुक्स में निसान कुड हैव गॉन अहेड। प्राइस में भी 6 लैक्स से 11 लैक्स, मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हो सकते, बट ये तो एक्सपेक्टेड प्राइस है। लेकिन अगर ये प्राइजेस सच हो जाती है तो बहुत मजा आ जाएगा। सेल्स फिगर्स को देख के मैं यही कहूंगा कि आईपीएल को फिक्स करवाने आ जाए कितने भी बुकी, कि आईपीएल को फिक्स करवाने आ जाए कितने भी बुकी, इंडियन कार मार्केट को फिक्स करके बैठा है मारुति सुजुकी। मतलब पिछले महीने क्या सेल्स निकाले हैं, टॉप 5 कार्स इन कंट्री फ्रॉम अ सिंगल ब्रांड। Hats off to Maruti Suzuki। मैं तो महिंद्रा XUV500 और नेक्स्ट जेन स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। फेसलिफ्ट पे ही जब महिंद्रा ने इतनी मेहनत की थी तो न्यू जेन SUVs तो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी। काफी अरसों बाद हमर अनवील हुई है और वर्ल्ड वाइड इस कार या पिकअप ट्रक के बहुत ही सारे फैंस हैं। क्योंकि कई साल पहले हमर की ऐसी डिजाइन थी जो किसी भी कार या पिकअप ट्रक की नहीं होगी, एंड ये देखने में भी काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लग रही है। रियली इंटरेस्टेड। नाउ लेट्स सी ये सितारा कैसे चमकता है। इंडियन थ्री व्हीलर कस्टमर्स ईवी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो अब इंडिया में ईवी का आना काफी दूर नहीं लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को आपके दिन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो और इट हैज हेल्प यू इन एनी वे, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्मैश दैट ग्रे लाइक बटन एंड मेक इट ब्लू। पीस।